रांची के मोराबादी मैदान में लगे दिवाली फेस्ट में आपको जम्मू और कश्मीर के प्रोडक्ट भी मिलेंगे। देखिए हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं और बेहद खूबसूरत प्रोडक्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर से यहाँ बेचने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। बात करने के लिए शॉप के ऑनर हमारे साथ हैं। क्या कुछ स्पेशल है आपके शॉप में? सर, सबसे पहले स्पेशल है उन सारे क्राफ्ट्समैन का आर्ट जिन्होंने अपना टाइम दिया, हाथ से इसको बनाया और उन्होंने हमें चुना कि हम उनका आर्ट बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट कर सके, और हम बहुत खुशनसीब खुद को समझते कि उन्होंने हमें चुना। सर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ आर्ट्स में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आरी वर्क आता है, या आरी वर्क होता है। इसमें वूल, एक स्पेशल काइंड ऑफ वूल यूज़ होता है जिसको क्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। ये एक वूलन शॉल पे इसका काम बना के इसको खूबसूरत बनाया गया है, इसको आरी वर्क कहते हैं। हमारे पास और एक सैम्पल में ये है, इसको सोजनी वर्क कहते हैं। ये नीडल वर्क होता है जिसको शॉल पे बनाया जाता है सुई के हेल्प से, और ऐसी शॉल कंप्लीट करने में 1 साल 1.5 साल लग सकता है। और यही चीज़ अगर और फाइन शॉल में हो, जैसे पश्मीना है, तूशा है, काइंड ऑफ पश्मीनास, उसमें ये 3 साल भी ले सकता है, क्योंकि वो फैब्रिक बहुत ज़्यादा लाइट होता है, वो फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसमें ऐसा बारीक काम करने में हमने देखा है कि एक्सपीरियंस जो हमारे क्राफ्टमैन होते हैं वो अपनी आईसाइट भी खो सकते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइफ में। तो इन लोगों को प्रमोट करने के लिए इनका रॉ आर्ट जो इन्होंने घर में किया है उसको बाहर लाया गया है। बहुत सारे क्राफ्टमैन एसोसिएशन है कश्मीर में, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राफ्ट को बाहर पसंद नहीं किया जाता, या हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उसका वक्त के साथ बहुत चेंजेस आई हैं, इस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हम खुद को बहुत ज़्यादा अभी प्रेस्टीजियस और ख़ुद को बहुत प्राउड समझ रहे हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम ये क्राफ्ट प्रेजेंट करें। इसके साथ ये हमारा क्रिवल क्राफ्ट है। क्रिवल हमारा इंटीरियर्स का एक अलग डिपार्टमेंट आता है, जिसमें हमारे नमदास, अ काइंड ऑफ वूल, जो हमारा शीप होता है कश्मीरी शीप, उसके वूल को प्रोसेस करके उस पर ऐसा ही थिक काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इसके कुशन कवर्स, वूल कवर्स, आपके यहाँ पर हैंगिंग्स, वॉल हैंगिंग्स हमारी फेमस होती है। ये सारी चीज़ें हमारा वो कल्चर है जो सिंस बहुत सालों तक रहा है, अब इसमें एक मॉडर्नाइजेशन और एक मॉडर्न चीज़ों को इसमें हम लोग ऐड करें ताकि फ्यूजन और नई जनरेशन कनेक्ट करें, जैसे मैं कर पा रही हूँ। मैंने खुद एक आरिकम का सिल्क पे कोट पहना है, और इसका ओरिजिन अगर मैं बताऊं, अकबर कश्मीर के कोर्ट में यही कोट पहनता था, जस्ट उसके जो वर्क्स थे वो गोल्डन थ्रेड से हुआ था, और वो अभी भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रिजर्व्ड है, म्यूजियम है हमारे। तो आपके लिए कहें तो जम्मू कश्मीर बहुत पहले से फेमस रहा है। नहीं, हमारा सर रिच हिस्ट्री, ऑटोमन एम्पायर, सिल्क रूट, चाइनीज ट्रेड जो हमारे साथ हुआ है, क्योंकि कश्मीर की जो लोकेशन रही है, हम सेंट्रल एशिया और बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे बहुत सदियों से, तो वो दोनों साइड का जो हमारा कनेक्शन रहा है, पर्शियन और इंडियन कनेक्शन, वो चीज़ है इसमें। जैसे हमारे पास जो आज का सिल्क है, हम लोग के पास अपना कुकून सिल्क भी रहता है, बट आज हम लोग मटका सिल्क पे भी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। हम फ्यूजन कर रहे हैं दो कल्चर्स को एक साथ, क्योंकि बहुत सारे फैंस हमारे मटका सिल्क के, और फिर कश्मीरी आर्ट को में वो फिजिबल हो रहा है और वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ में। हम लोग कॉटन, जो मेजरली हमारा सूरत, पानीपत और गुजरात से हमारे पास टेक्सटाइल आता है, उसमें हम लोग आरी वर्क कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी और लोगों को पसंद आए। हमारे यहाँ साड़ीज़ बनती हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और यही शायद कल्चर और ट्रेडिशन है जो लोगों को कनेक्ट करता है, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे कनेक्शंस बिल्ड करें। झारखंड में लोग कितना पसंद कर रहे हैं अभी? सर, हमें बहुत साल हो चुके हैं झारखंड के लोगों के सामने इसको प्रेजेंट करते हुए, मेले के माध्यम से या अपने बिजनेस के माध्यम से, बुटीक के माध्यम से, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। बट अपार्ट, क्योंकि टैक्सेस अब बढ़ चुके हैं इस चीज़ में, तो बहुत सारे लोग कोविड, पोस्ट कोविड या पहले भी टैक्सेस बढ़ने की वजह से क्विकली अब सेल्स में बहुत चेंज आ चुकी है, बट लोग इसको पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हमारे पास आते कि ये यूनिक है, और आप समझ पाते हो कि एक क्राफ्टमैन के लिए जो इतने सारे लोगों का आर्ट लेके कहीं आया है उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ऐसी चीज़ों को फिर बहुत टाइम तक चलाना, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मार्केट हमारा इकोनॉमिकली कम हुआ है, बट हमें लोग पसंद करते हैं और शायद इसीलिए हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। अंतिम सवाल, अभी जाड़े का मौसम आ रहा है तो उलन प्रोडक्ट में क्या कुछ खास स्पेशल है कस्टमर्स के लिए? फीमेल्स के लिए मोस्टली अनस्टिच सूट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है हमारे पास, कानी सूट्स, आरी वर्क सूट और तिला सूट्स।
ये इसका बहुत फाइन कलेक्शन होता है, क्योंकि वुलन में आपका बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर है और साड़ीज़ वगैरह भी हमारे पास तूशो और पश्मीना की बनी हुई हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कन्वीनियंट रखती है। फॉर जेंट्स, हमारे पास जेंट्स लेदर जैकेट्स हैं जो कश्मीर के हमारे वर्कशॉप्स में बनती हैं, और उसमें आगे बढ़े तो आपके पास जेंट्स शॉल्स है, शॉल्स, स्टॉल्स, और गर्ल्स के लिए कुर्तीज़, फेरन जो हमारा ट्रेडिशनल अटायर है उसका एक लाइटर वर्जन जो आप रेगुलर वेयर में कर सकते हो। जेंट्स के वुलन गाउन्स वगैरह, ड्रेसिंग गाउन्स वगैरह, कोट्स, स्टिच्ड कोट्स जो कश्मीरी फेरन के कपड़े पे कुछ कढ़ाई के साथ बनता है, ये सारी चीज़ें हमने रखी हैं। तो आप देख सकते हैं कश्मीरी प्रोडक्ट आपके रांची के मोराबादी मैदान में, और वो तमाम कश्मीरी प्रोडक्ट जो हैंडक्राफ्ट्स में के नाम से जाने जाते हैं कश्मीर में, जो वर्षों से बनाया जा रहा है, वो तमाम प्रोडक्ट्स आप यहाँ इस स्टॉल पे आकर उसका आनंद ले सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट देखने के लिए लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।